हेलो दोस्तों, प्राइमेक शहर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं, आज मैं आपको बताने वाला हूँ, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कंप्रेशर की किस तरीके से वाइंडिंग चेक की जाती है कि वो ठीक है या नहीं है, या वो वर्क करेगा या नहीं करेगा। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है वाइंडिंग, मतलब जो कंप्रेशर की वाइंडिंग होती है वो किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं, किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ हमारा जो कंप्रेशर है उसकी जो अंदर वाइंडिंग है वो ठीक है या नहीं है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे सामने कंप्रेशर रखा हुआ है, ये बिल्कुल ठीक कंप्रेशर है और इसकी वाइंडिंग भी बिल्कुल ठीक है। तो किस तरीके से हम जानते हैं वाइंडिंग इसकी ठीक है या नहीं है, आज हम इस बारे में सब कुछ हम सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं शुरू। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं कहना चाहूंगा, अगर आपने मेरा चैनल न्यू विजिट किया है तो प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आपका। और जो लोग हमारे चैनल अभी न्यू सब्सक्राइब किए हैं तो दोस्तों इस बेल आइकन के घंटे को जरूर दबा लीजिए सब्सक्राइब करके, जिससे कि आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो शुरू। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे कंप्रेशन में 3 पॉइंट होते हैं, 1 2 3। आपका ये जो कॉमन वाला है वो ऊपर भी हो सकता है और आपका नीचे भी हो सकता है, किधर भी हो सकता है। तो आज जो हम सीखने वाले हैं, आज सीखने वाले हैं हम बाइंडिंग को किस तरीके से चेक करते हैं। तो उसके लिए दोस्तों हमें जरूरत होगी एक क्लैंप मीटर की, या आप कह लीजिए इस मल्टीमीटर की, या कोई सा भी आपके पास मीटर हो जो कंटिन्यूटी बता सके। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 3 पॉइंट है और हमारे पास जो मीटर के पॉइंट है ये हमारे पास ये 2 है। हम इसको आपस में मिला के देखते हैं तो इस तरीके से हमें एक बीप की आवाज सुनाई देगी। तो बीप की आवाज सुनाई देने के बाद हम इसको एक पिन को हम लगाएंगे कॉमन पे और दूसरे को हम लगाएंगे किसी पे भी, इधर भी लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। और जैसे ही आप इसको यहाँ पे लगाएंगे तो आपको जो है मीटर के अंदर एक कुछ पॉइंट आपको नजर आ रहे होंगे। आप देख रहे हैं 16 पॉइंट हमारे 0 16 नजर आ रहे हैं हमें। तो 0.16 को हम अपने माइंड में नोट कर लेंगे या फिर किसी नोटबुक पे हम इस तरीके से हम इसको नोट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे 16 लिख लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमने 16 लिख लिया है तो आप चाहो तो अपने अपने माइंड में भी इसको आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे 16 वाले पॉइंट पे हमने लगाया था, उसके बाद हम दूसरे पे लगा के देखते हैं कि यहाँ पे कितने पॉइंट आते हैं। हम दूसरे वाले पे लगाते हैं तो यहाँ पे जो है हमारे पॉइंट जो आ रहे हैं वो हमारे आ रहे हैं 14 पॉइंट। तो 14 और 16, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिए हैं 14। अब ये हमारे 16 और 14 जो हमने चेक किए थे, हमने जो हमने कंप्रेसर को चेक किया था, हमारा कॉमन पे लगा के एक पे आ रहे हैं 16 और एक पे आ रहे हैं हमारे 14 पॉइंट। अब दोस्तों हमने यहाँ पे कॉमन पे लगा के 16 और 14 हमारे दोनों पॉइंट ऊपर ऊपर वालों पे जो हम चेक कर रहे हैं, तो 16 और 14 पॉइंट आ रहे हैं। अब ये जो आपके 2 पॉइंट है हमें कॉमन को छोड़ के हमें एक इस पे और एक इस पे लगाना है, कॉमन को हमें भूल जाना है और हमें लगाना है ऊपर रनिंग और स्टार्टिंग वाले पॉइंटों पे, दोनों पे हमें इन पिनों को लगाना है। तो जो भी हमारे पॉइंट आते हैं वो हमें नोट कर लेने हैं। ये हमारे जो पॉइंट आ रहे हैं दोस्तों आ रहे हैं 29, तो ये हम 29 भी हम यहाँ पे नोट कर लेंगे, जो यहाँ पे है हमारा 29, 29 पॉइंट भी हमने नोट कर लिए। अब दोस्तों ये जो हमारे 16 और 14 है ये हमारे प्लस होने चाहिए, 6 और 4 मतलब 0, हासिल लगा 1, 2 और 1 और 1, 2 और 1 3, मतलब 30 पॉइंट हमारे होने चाहिए। तो हमारे जो पॉइंट हो रहे हैं हमारे हो रहे हैं 29। तो ये जो हमारे 29 हैं कोई दिक्कत नहीं है, एक पॉइंट ऊपर हो या नीचे हो कोई दिक्कत नहीं है। तो 30 हमारे जो पॉइंट आ रहे हैं, जो ये वाले हमारे जो 2 पॉइंट पे जो हमारे कंटिन्यूटी आ रही है, तो ये हमारे यहाँ पे और यहाँ पे हो जाने चाहिए प्लस, जो कि हमारे 30 हो रहे हैं। तो 29 हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि मैं एक बार आपको और दिखाता हूँ, जैसे कि हमने यहाँ पर एक कॉमन पर और एक रनिंग पर, जैसे ही हम यहाँ पे लगाते हैं तो हमारे जो पॉइंट आते हैं 16 और यहाँ पे आ रहे हैं हमारे 14। 14 और 16 को जब यहाँ से इसको दोनों पे अगर हम ऊपर ऊपर वाली पे हम दोनों पे लगाते हैं तो यहाँ पे हमारे 29 पॉइंट हो रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, यहाँ पे 30 पॉइंट होने चाहिए, तो एक पॉइंट इधर हो जाए या उधर हो जाए। तो इस कंडीशन में दोस्तों हमारी होती है वाइंडिंग ठीक। अब बाइंडिंग खराब कब होती है दोस्तों, जैसे कि हमने यहाँ पे कॉमन पे लगाया और दूसरा यहाँ पे लगाया, तो यहाँ पे जो हमारे पॉइंट आ रहे हैं यहाँ पे 16 और 14 की जगह अगर हमारे यहाँ पे, अगर यहाँ पे दोस्तों अगर मिलाने के बाद हमारे पॉइंट अगर आपस में मिलने के बाद यहाँ पे अगर प्लस नहीं हो रहे तो समझ लीजिए कि हमारी जो कंप्रेसर की वाइंडिंग है वो खराब है, या फिर कंप्रेसर हमारा अर्थ हो रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे कोई भी किसी पे भी लगा के, आप कॉमन पे लगा के या इस पे तीनों पे से किसी भी लगा के अगर हमारा अर्थ हो रहा है, यहाँ पे अगर आप बॉडी पे इसकी टच करेंगे, बॉडी पे आप वहां टच करें जहां बिल्कुल साफ हो, जिससे कि वो लोहे पे हमारे टच होने के बाद और ये एक यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद हमारी जो कंटिन्यूटी है वो आ जाए ठीक तरीके से। अगर यहाँ पे कंटिन्यूटी आ रही है यहाँ पे लगाने पे, अगर बीप की आवाज आ रही है, तो समझ लीजिए कि आपका जो कंप्रेसर है वो बिल्कुल खराब है। उस कंडीशन में हम कंप्रेसर को चेंज करेंगे और साथ में अगर ये पॉइंट आपस में नहीं मिल रहे हैं या फिर किसी एक पे अगर वाइंडिंग पे हमारी कंटिन्यूटी नहीं आ रही है किसी भी पॉइंट पे, जैसे कि हम यहाँ पे दोनों पे मतलब हमारी पीपी की आवाज आ रही है, अगर किसी में भी एक में
नहीं आती है, तब भी उस कंडीशन में हमारी वाइंडिंग खराब होती है, या कह लीजिए हमारा कंप्रेशर खराब होता है, या फिर ये हमारा प्लस ना हो रहे हो तब भी हमारी जो कंप्रेशर की वाइंडिंग है वो खराब होती है, शॉर्ट होती है। और अगर अर्थ हो रहा है इस तरीके से, हम इसको अर्थ कहते हैं, तो अगर अर्थ हो रहा उस कंडीशन में हमारी जो वाइंडिंग है, जो कंप्रेशर है, वो हमारा बिल्कुल खराब है। इस कंडीशन में हमने आज सीखा है कि किस किस कंडीशन में हमारे जो कंप्रेशर की वाइंडिंग है वो खराब होती है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई, तो पसंद आई तो दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फो के साथ। ओके बाय।